guys, welcome back to my YouTube channel. After a long time, you guys are seeing me in this much of makeup. Like मैंने बहुत time से कोई makeup tutorial ऐसा proper date night वाला shoot नहीं किया था and मैं अभी recently last week अपने husband के साथ date पे गई थी and I wore this blazer and I wore this sleeveless top inside it with a denim and it was very nice. Like the entire look that turned up, I'm gonna insert a picture over here. So this is a makeup look I carried. I posted it on my Instagram and a lot of you guys, आप लोगों ने मुझे message करके बोला कि इसको recreate करो. तो मैंने सोचा इसको मैं recreate करूँ. By the way, the kajal is inspired by the Deepika Padukone look she carried it in Cannes Film Festival and I really loved it. But वो थोड़ा सा ज़्यादा है, over the top है. वो मेरे लिए wearable नहीं है. तो मैंने उसको थोड़ा सा modify करके अपने तरीके से wearable बना लिया और मैंने इसको with like विंग्ड परफेक्ट विंग लोअर लैश पे लाइनर लगा कर बिल्कुल एकदम अमेजिंग एक रेड लिप के साथ ये लुक क्रिएट किया है. तो चलिए हम जल्दी से देखते हैं ये लुक आप भी कैसे क्रिएट कर सकते हो. वेरी इजी, अगर आप एक बिगिनर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस लुक को बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं कैसे इस लुक को क्रिएट करेंगे एंड डेट नाइट पे अपने बॉयफ्रेंड अपने हस्बैंड के साथ ये लुक जरूर क्रिएट करके जाना और मुझे जरूर बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको ये लुक कैसा लगा. तो सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले तो ये वीडियो शुरू करने से पहले और उसके बगल में बेल आइकन जरूर बजाओ. 100 लाइक्स तक तो इस वीडियो को जरूर पहुंचाना है गाइस. आप लोग टीम हो ना मेरे, मेरी फैमिली हो, चलो पटाख से एक लाइक बटन दबा दो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, इसी बात के लिए कि मैं अच्छी कितनी लग रही हूँ, है ना. मेकअप शुरू करने से पहले मैं मेकअप प्रेप प्लस फिक्स स्प्रे अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ. एक सेटिंग स्प्रे के साथ साथ एक प्रेप्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्रेप करने के लिए अपने स्किन को मेकअप के लिए. अब मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन. मेरा शेड है गोल्डन बेज. मेरा रेफरेंस शेड मैक में NC37 और पैक में 2.3 है. ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है डेली वेयर के लिए, काफ़ी लाइट वेट है, एक मैट फिनिश देता है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है. ऑल्सो मेरा मेबलिन फिट मी एंड मेबलिन सुपर स्टे का शेड है 220 और या दैट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर रेफरेंस शेड्स. गाइस जो ब्यूटी स्पंज मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये ब्रांड का नाम है शाओबा CHAOBA. नायका पे आपको ये मिल जाएगा. ये एक माइक्रोफाइबर स्पंज और मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा क्वालिटी में. 300 रुपए से कम का था. ट्रस्ट मी आपको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर आप एक अच्छा ब्लेंडर ढूंढ रहे हैं. नेक्स्ट अप मैंने एले गर्ल प्रो कंसील ले लिया है इन द शेड प्योर बेज. मेरा फेवरेट कंसीलर है क्योंकि ये थोड़ा ऑरेंज टिंट्स देता है और थोड़ा सा मेरे स्किन टोन से डार्क है तो मेरे जो अंडर आई के डार्क सर्कल्स है बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं एंड मुझे ये बहुत ही पसंद है. तो इस तरह से मैं अपने अंडर आईज़ को जितने भी डार्कनेस उसको कवर कर रही हूँ. मैं चाहती थी कि मेरा बेस बिल्कुल भी हल्का रहे इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती एंड इस तरह से मैंने अपना सारा डार्क स्पॉट्स को हाइड कर लिया है. मैं करूँगी कॉन्टोर. मैं ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर स्टिक फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए. ये कॉन्टोर स्टिक अच्छी रहेगी. क्रीम कॉन्टोर को मिक्स करना ब्लेंड करना काफ़ी ईजी होता है और काफ़ी नेचुरल भी लगता है, इसीलिए मुझे क्रीम कॉन्टोर करना पसंद है. और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मेरे फेस पे काफ़ी फैट आ गया है तो मैं थोड़ा सा मतलब मेरा फेस चबी लगने लगा है. मैंने सोचा थोड़ा कॉन्टोर कर लूँ, इस लुक के हिसाब से कॉन्टोरिंग अच्छी लगेगी और इसीलिए मैंने अपने फेस को इस तरह से जो आप देख रहे हैं कॉन्टोर कर लिया. अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कॉन्टोरिंग हाईलाइट कैसे करते हैं, कॉन्टोर कैसे करते हैं, डार्क स्पॉट्स को कैसे छुपाना है, तो आई लेट यू नो. लैक्मे का सन एक्सपर्ट कॉम्पैक्ट है. प्रॉब्लम इसकी एक शेड में आता है लेकिन कॉम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन है और इसमें सन प्रोटेक्शन भी है तो और क्या हो सकता है इससे अच्छा. नेक्स्ट अप फेसेस का फेस पैलेट लिया है मैंने इन द शेड ग्लो. इससे मैं ब्लश ले रही हूँ. ये ब्रश वेट एंड वाइल्ड का है, मैंने नया लिया है, ट्राई कर रही हूँ. मुझे दो ब्रशेस मैंने लिया है, दोनों में से दोनों ही ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आए. इससे अच्छे तो मेरे नॉर्मल ब्रशेस से जो मैंने अमेजोन और शीन से लिए थे. अब मैं ले रही हूँ बेका का शैम्पेन पॉप हाईलाइटर. बहुत ही एक्सपेंसिव हाईलाइटर है, 4000 के आसपास इसकी प्राइस है बट बहुत अमेजिंग हाईलाइटर है. मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हाईलाइटर्स में से है. कोई सा भी हाईलाइटर जो आपके पास है इस तरह से थोड़ा हाईलाइट कर लीजिए अपने फेस को. डे टाइम में जा रहे हैं तो थोड़ा हल्का और नाइट टाइम में जा रहे हैं तो थोड़ा हाईलाइट अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं. थोड़ा फोरहेड, थोड़ा क्यूपिड्स बो, थोड़ा नोज़ पे. अब हम बनाएंगे अपनी आईब्रोज को परफेक्ट. तो यहाँ मैं यूज़ करी हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल. अभी रिसेंटली मैंने इसको लिया था नायका से 105 या 110 रुपीज़ का. अमेजिंग है गाइज, अगर आपको एक सस्ता आईब्रो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें ब्रश भी है तो आई थिंक आपको यूज़ करना चाहिए. 4-5 शेड्स में भी अवेलेबल है. मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है. अगर आपकी आईब्रोज ब्लैक है तो आप ब्लैक भी ले सकते हैं. ग्रे भी इसमें शेड है और काफ़ी शेड्स है. आप ज़रूर चेकआउट करिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. नेक्स्ट अप मैंने लिया है यहाँ पे लॉरियल का जो है जेल लाइनर.
इस जेल लाइनर को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं अपने लोअर लैश लाइन पे काजल के जगह पे जेल लाइनर यूज़ करूँगी फॉर प्रेसिशन, और मैं इस तरह से जो है एक ब्रश से मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ। आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मुझे लगा कि जेल लाइनर जो है थोड़ा ज़्यादा प्रेसिशन देगा तो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, तो मैंने इसलिए इसको यूज़ कर रही हूँ। इसको प्रॉपर प्रिसाइज करने के लिए इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को जो हम विंग्ड काजल टाइप एक विंड लोअर लैश का जो लाइनर ड्रॉ कर रहे हैं, मैं स्टे कोकी का पेन लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा है ये पेन लाइनर, आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी इनएक्सपेंसिव भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया, और ये मैं जो ऊपर हम जो अपनी अपर लैश लाइन पर जो विंग ड्रॉ करते हैं उसको मैंने लोअर लैश लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन में बचा हुआ कुछ मैं अपर लैश लाइन को टाइट लाइन कर रही हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि सारा काजल मैंने लोअर लैश में ही लगा लिया है और अपर लैश लाइन पे कुछ भी नहीं लगाया है। तो कॉन्ट्रोल को थोड़ा और अच्छे से ब्लेंड कर पे मैंने ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का कैट सूट आई शेडो, लिक्विड आई शेडो जो है, और ये कैशमेयर लव में ये शेड है। मैं फुल फेस ऑफ वेट एंड वाइल्ड का जल्दी ही जो वीडियो है शेयर करूँगी। मैंने और भी वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स लिए हैं तो शायद मैं नया वीडियो शूट करूँ, और ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अच्छा है ये लिक्विड आई शेडो, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबेलिन का लास्टिंग ड्रामा पुशअप ड्रामा मस्कारा, वाटरप्रूफ वेरियंट है, और ये मुझे बैड गर्ल बैंग मस्कारा की तरह लगा। दो बैड गर्ल बैंग मस्कारा जो बेनिफिट का है वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन ये भी काफ़ी मिलता जुलता वेरिएंट है क्योंकि वो 2400 रुपए का है और ये 400-500 रुपए का है, तो अंतर तो है ही ना। तो यस, अब देख रहे हैं आप लोग ज़्यादातर सब कुछ हो ही चुका है। काइली का यहाँ पे मैंने लिप डिफाइनर लिया है, यानी लिप लाइनर लिया है मेरी जो के में, ये शेड मेरी जो के है। इसका लिक्विड लाइनर लिक्विड लिपस्टिक भी है मेरे पास, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं मैक करूँ भी वो यूज़ कर रही हूँ। ये दोनों लिपस्टिक्स ही काफ़ी मिलती जुलती है, कलर्स एकदम ऑलमोस्ट एक जैसे, एक लिक्विड है एक थोड़ा सा बस ये कि ये लिक्विड नहीं है। ये रेड लिप्स मैंने इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत ही सेक्सी लगते हैं विद गोल्डन आईज इन द टाइप ऑफ काजल आई एम वेयरिंग एंड आई एम लविंग दिस लुक। मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैकअप फिक्स प्लस लिपस्टिक। वीडियो में मिलती हूँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल, और अपना ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन बजाइए और लाइक। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और लोग भी रिक्रिएट करूँ तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, हम वहाँ पे 10,000 की फैमिली बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो प्लीज़ फॉलो करिए और मुझे सपोर्ट करिए। बाय बाय।